हेलो प्यारे बच्चों हैप्पी होली फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर ओन स्टडी प्लेटफॉर्म दैट इज ए वन ट्यूटर एंड आज हम जो एग्ज़ाम्पल सीरीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें हम आपके लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ इलेवेंथ क्लास बायोलॉजी लेकर आए हैं तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से सिंगल करेक्ट आंसर टाइप जो आपके गिवन ऑप्शन है उसमें से एक जो आंसर करेक्ट है आपको वो टिक करना है तो एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम आप जैसे ही क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था कैसे किंगडम है ना फाइलम जस्ट अ मोमेंट फाइलम के बाद अगर फाइलम कहाँ होता, होता है डिविजन कहाँ होता है ना आपको पता है फाइलम कहाँ यूज़ होता है एनिमल के केस में डिवीजन कहाँ यूज़ होता है प्लांट्स के केस में तो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली है ना देन जीनस एंड देन स्पीशीज़ तो स्पीशीज में हाईएस्ट नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो रिजेंबलिंग होते हैं कॉमन होते हैं वो होते हैं और लोएस्ट कहाँ आ जाएंगे किंगडम लेवल पे तो लेट्स सी के एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायर है द नंबर ऑफ कॉमन कररेक्टर्स टेक क्या हो जाएंगे विल सॉरी रॉन्ग uh, हो गया ये विल डिक्रीज ठीक है चलिए तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा इसमें ए एक्सप्लेनेशन यू में सी के एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे गो ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीज हो जाएंगे लोअर द टैक्स टैक्सा मोर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जितना लोअर टैक्सा होगा उतने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होती जाएंगी है ना हायर द टैक्स टैक्सा लेसर विल बी द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली अब यहाँ पे फैमिली में आपने प्लांट्स के केस में पढ़ा होगा ना सोलोनेसी फै फेबीएसी फै, ये फैमिली में वर्ड जो आते हैं तो ये वर्ड कहाँ आता है आपका फैमिली में ऐसे ही फाइलम में आता है ना आपने पढ़ा होगा थैलोफाइट ब्रायोफाइट लास्ट में ए वर्ड ए ई वर्ड आता है तो ये डिफरेंट सफिक्स हैं जो अलग अलग क्लासिफिकेशन के पैटर्न के लिए यूज़ होते हैं लाइक ऑर्डर में क्या है क्लास में क्या है फैमिली में क्या है तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म सिस्टमैटिक रेफर्स टू सिस्टमैटिक वर्ड का मतलब क्या है तो सिस्टमैटिक का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप राइट सिस्टमैटिक मीन्स के वो स्टडी जिसमें हम डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लस में उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है कैसे वो एक दूसरे से वीकेंड से इकोलॉजी में रहते हैं मिलकर तो ह्यूमन बींग वेंस लॉन्ग नॉट ओनली द

रिलेशनशिप बिटवीन राइट? कैसे इवोल्व होके कोई भी स्पीशीज बनी है कोई भी जो इवोल्यूशन होकर नई स्पीशीज बन रही है वो सब रिप्रेजेंट करता है क्लोज रिलेटेड स्पीशीज देखो आप जब मैंने क्या बताया था अगर एक वैसे एक ट्रिक भी बताती हूँ अपने बच्चों का अक्सर आप देखिए अगर आपको अच्छे लगे तो किंगडम सॉरी एक मिनट में वैसे लिख देती हूँ हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं ना तो किंगडम है ना फाइलम या डिवीजन राइट किंगडम फाइलम डिवीजन क्लास है ना फ़ैमिली जस्ट मिनट ऑर्डर आएगा पहले राइट यहाँ पे क्या आएगा ऑर्डर फैमिली देन जीनस एंड देन स्पीशीज तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं मैं उनको ये ट्रिक देती हूँ के से किंगडम होता है तो केक से आप याद रखिए किंग तो किंग के फिजिशियन या डॉक्टर ने फिजिशियन या डॉक्टर ने फी फिजिशियन के वर्ड पी से आ गया डिवीजन तो किंग के फिजिशियन ने क्लास को राइट right, ऑर्डर दिया क्लास के स्टूडेंट्स को क्या ऑर्डर दिया कि अपनी, अपनी फैमिली के जीन्स की स्टडी करें तो इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन का जो पैटर्न है वो लर्न हो जाएगा किंग के फिजिशियन ने या डॉक्टर ने क्लास को ऑर्डर दिया कि अपनी फैमिली के जीनस की क्या करें स्टडी करें तो अब जीनस क्या करता है बेसिकली आप देख सकते हो जीनस स्पीशीज से ऊपर है और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि लोअर द टैक्सा उतनी ज़्यादा कॉमन करेक्टरिस्टिक बढ़ती जाएंगी अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएंगी इसमें हो जाएंगी आपकी रिलेटेड स्पीशीज़ राइट जितने भी स्पीशीज़ रिलेटेड हैं वो यहाँ आ जाएंगी ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सोनिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्वीन टू विच ऑफ द दायर लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट देखो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था फिजिशियन या डॉक्टर तो फाइलम किस में आ जाता है एनिमल के केस में और डिविजन का आ जाता है प्लांट के केस में राइट right? ये सेम चीज़ आप पढ़ोगे पूरा एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ आ जाएगा ना बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क अब बोटेनिकल गार्डन और जोलॉजिकल पार्क एग्जैक्टली क्या है कि इनमें एंडेमिक और एग्जॉटिक स्पीशीज एंडमिक और एग्जॉटिक लिविंग स्पीशीज होती है राइट एंडमिक स्पीशीज मुझे लगता है आपको पता है कि वो स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में ही पाई जाती हैं राइट और कहीं नहीं मिलती हैं दोज आर कॉल्ड एंडमिक स्पीशीज नाउ द टैक्सोनॉमिक की इज़ वन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ किसके प्रपरेशन में होती है यूज़ ऑफकोर्स आपके मोनोग्राफ के प्रपरेशन में भी और फ्लोरा के जो प्रिपरेशन है उसमें भी ठीक है तो बेसिकली क्या हो गया बोथ ए एंड बी तो लेट्स कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और अगर वहीं फोना का वर्ड यूज़ आता है तो वहीं सेम चीज़ें हो जाती है कि कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स राइट नाव ऑफ़ द गि एरिया दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया राइट तो फ्लोरा से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई ना वॉट अबाउट द मैनुअल आर द यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज यानी उसमें क्या होगा आपके स्पीशीज के जो नेम के आइडेंटिफिकेशन है वो बेसिकली आपको मिलेंगे किसी भी एरिया में और मोनोग्राफ में क्या होता है कि मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्स ऑन

बट टू दैराइंग डिग्री डिफरेंट डिग्रीज पे नाउ सी विच आर द फॉलोइंग इज डिफिनिश द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनमें से डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है तो आप कभी भी देखिएगा कि कोई भी ग्रोथ जो है अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल गिवेन एन सी आर टी में लाइक एक छोटा सा सैंड ड्यून है वो कुछ समय बाद बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या वो ग्रोथ कर रहा है नो एबिलिटी टू मेक साउंड मेटल भी करते हैं वो तो तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर है नो no. रिप्रोडक्शन एक पत्थर है मैंने उसको फेंक दिया उसके दो टुकड़े हो गए तो क्या वो रिप्रोडक्शन हो गया नहीं ये लिविंग की फीचर्स तो है बट डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है बिकॉज दे कैन बी शोन इन नॉन लिविंग एज वेल लेकिन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्ट्यूमिला ये सिर्फ किसमें होता है आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें इवन मेटाबॉलिज्म किस में होता है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अब आपको क्या करना है इनको मैच करना है तो देखो ये आपका आ गया फैमिली किंगडम ऑर्डर स्पीशीज और जीनस अब आप एक दे, चीज़ देखो बड़े इजी चीज़ है इसमें से कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी बाकी अपने आप याद हो जाएंगी अब अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम थे प्लांटे एक हो गया है ना अगर अब हम बात करें फैमिली की तो सोलोनेसी आ गया राइट right? अगर अब हम बात करें किसकी स्पीशीज की जो लोएस्ट कैटेगरी है तो स्पीशीज में आपका क्या आ जाएगा सोलैरियम आ गया और अगर अब हम बात करें किसकी ऑर्डर की तो ऑर्डर में आपका क्या आ जाएगा ठीक है पॉलीमोनियल्स आ गया और बच गया क्या जीनस जीनस में क्या आ जाएगा आपका ट्यूबरोसम इज दैट क्लियर अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये बेसिकली आपका किसके लिए था डिटेल पोटैटो के लिए ये देखो आपका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है स्पीशीज में ट्यूबरोसम ऑर्डर में पॉलीमोनियल्स और जीनस में सोलेटियम और किंगडम में प्लांटे और फैमिली में सोलोनेसी राइट आप पीछे वर्ड देखो एग्जैक्टली वही है है ना एल्स है ना किंगडम में ए फैमिली में सी ए e, है ना तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत

नेक्स्ट है व्हाट इज अ मोनोग्राफ मोनोग्राफ क्या होता है नाउ मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन किसी भी एक टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है मोनो वर्ड यूज हुआ ना सिंगल एंड इफ दैट इज एनी वन जीनस और फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम एक सिंगल टाइम में एक ही चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है अमीबा मल्टीप्लाइज बाय माइटोटिक सेल डिवीजन एंड इज दिस फिनोमेना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन देखो दोनों चीज़ें हैं ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है है ना वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म्स भाई ग्रोथ क्या है प्रोडक्शन क्या है ऑफ कोर्स वो ग्रोथ कर रहा है है ना लेकिन वो रिप्रोड्यूस भी तो कर ही रहा है ऑन द सेम टाइम तो दोनों टर्म हम एक एज से यूज कर सकते हैं आया नहीं तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट यहाँ पे कोई डिफाइनिंग क्लियर फीचर्स नहीं है तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली मेंशन लेकिन हम बात करें

अब बोटेनिकल गार्डन जो अपने इंडिया में लार्जेस्ट है वो कौन सा है और कुछ और के नाम बताने हैं आपको तो द लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीव लंडन में है ना जो कि कहाँ है इंग्लैंड में एंड लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन इन इंडिया इज एट बोटैनिकल गार्डन सिबपुर हावड़ा राइट कहाँ है ये हावड़ा ब्रिज कोलकाता में वेस्ट बंगाल में

तो नो दिस इज नॉट कंपेरेबल टू द ग्रोथ सीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि वहाँ कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ राइट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक स्नो ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ ठीक है बट हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय द सरफेस ओनली अंदर किसी तरीके का मेटाबॉलिक चेंज नहीं होता है राइट right?

अगर हम हम आगे बात करें जैसे जिम्नोस्पर्म वगैरह होते हैं ना क्लास तो फिलोपसीडा है ना एन ए ना ऑर्डर एल्स फैमिली ए सी जीनस नो डेफिनेट सफिक्स क्योंकि बहुत सारे जीनस हैं बहुत सारी स्पीशीज हैं नो स्पीशीज राइट कोई स्पेसिफिक उसके लिए सफिक्स नहीं है बट टूटरेट स्पीशीज ऐसा क्या है जो उन्हें डिफाइन करता है तो स्पीशीज इन अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग ग्रुप दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम सच ग्रुप यानी ये जो है पोटैटो ये ब्रिंजल से क्या कर सकता है ब्रीड कर सकता है नहीं कर सकता

कर सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स के साथ एक सेम स्पीशीज के बट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट ऑलवेज फाउंड इन मॉलिक्यूलर ऑफ सेल ऑर्गेनल जस्टिफाई तो जो सेल ऑर्गेनल की प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा जो कॉन्स्टिट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है उसको डिफाइन नहीं कर सकती हैं कैसे तो ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस राइट जो बॉडी में चलता है हमेशा प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द दूंट सेल जो टिश्यू में प्रॉपर्टी कॉपरेशन की एक दूसरे के साथ वो सेल में नहीं है सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपर्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन में है वो मॉलिकुलर लेवल पे नहीं है राइट बट अराइज एज द सेम रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कम्प्राइजिंग द ऑर्गेनेल नाउ दीज इंटरेक्शन कौन सी वाली जो बेसिकली अगर मॉलिकुलर लेवल पे बात करें सेलुलर लेवल की बात करें टिश्यू लेवल की बात करें तो ये डिफरेंट लेवल्स पे जब हमने बात की वैसे मॉलिकुलर लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो ये इंट्रेक्शन क्या करती हैं रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी फीचर्स को डिफाइन करती हैं दिस फिनाइज ट्रू इन दायर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी राइट इसीलिए देखो लाइन का जो कोट होता है वो डिफरेंट होता है टाइगर का डिफरेंट होता है, है ना लेपर्ड का डिफरेंट होता है चलिए द नंबर एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट कॉन्स्टेंट हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट द नंबर एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर वेरिएबल अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंज लाइक पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट इंक्रीज ड्यूरिंग रेनी सीजन है ना द नंबर ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्सटेंट इन्होंने बोला है हमेशा कि लाइक जैसे कोई भी जीव है वो हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहते हैं तो हाउ डू यू एक्सप्लेन इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपका जो बेसिकली बारिश के मौसम में आप देखते हो ना बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं तो वही चीज यहाँ पे है कि वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द सीजन चेंज लाइक पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट इंक्रीज हो जाती है कब रेनी सीजन में द यूसी एंड रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंटेशंस डॉक्यूमेंट्स द एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीशीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स एंड 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 यस yes, जो एग्जाम्पल आपने सुना होगा ना डोडो बर्ड का है राइट right? तो वॉट इज नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे तो लेट्स एंड द वीडियो हेयर ओनली अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन रह गए दैट वी विल फिनिश इन नेक्स्ट वन थैंक यू एंड हैव ग्रेट डे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक like, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि सबको बेनिफिट मिल सके